प्याज की कचौरी खा रहा हूँ, प्याज की कचौरी। हेलो जी, कैसे हो यार? आप सोच रहे हो ये अंधेरे में बैठ के क्यों बात कर रहा है भाई? इतना दिन है, उजाला है। तो यार वो बाहर ठंड लग रही थी इस वजह से यहाँ बैठ गए। यहाँ क्या समोसे तलने की, ये समोसों की दुकान है, कचौरी समोसे बनते हैं, तो वो लोग समोसे यहाँ पे तलते हैं, तो यहाँ थोड़ी गर्मी रहती है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार गर्मी चल रही है अभी, तो इसको कौन सी ठंड लग रही। तो भाई सब ये मार्च स्टार्टिंग का वीडियो है, जब मैं मनाली से रिटर्न आ रहा था, उसी सीरीज़ का कंटिन्यूसली जो वीडियो चल रहा है। फिलहाल मई चल रहा है, मई में चुरू का तापमान जो है 45 डिग्री से ऊपर ही जाता है, कभी कभी 50 भी जाता है, जो कि हमारे सहन शक्ति से बाहर है। तो आज जो इस वीडियो में मैं आपको चुरू से 30 किलोमीटर दूर दुधवा खा रहा है वहाँ के बारे में बताने वाला हूँ, वहाँ की हवेलियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी अच्छी बनी हुई। तो पहले नाश्ता करना बनता है, चलो। तो फाइनली कर लिया है नाश्ता, अब निकल रहे हैं वापस गांव के लिए, और अब गांव एक्सप्लोर करना है हमको वहां जाके। तो अभी टेम्परेचर होगा 10, 8 से 10 के आसपास, और पीने जा रहे हैं सर शरबत। यस, सियाचिन के शेर हैं, मेरा बहुत ही फेवरेट है। हाँ, तो अब मैं भी ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पे, और इनका खुद का ब्रांड है ये। एक पोतरी होती है, उसमें वो बर्फ को कूट देते हैं, चंदन चूर कर देते हैं, जोशी जी का नाम रखा है चूर। चारों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा, चूर चूर के मारूंगा। तो ये है जो मेन कॉन्सेप्ट, टाका बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जो सारा पानी स्टोर होता है, पानी स्टोर होने के बाद जो है इसमें जाता है, और ये एक कुआं टाइप का है। तो ये देखिए अभी फुल है ये, और पूरी गर्मी भर इन लोगों की को सपोर्ट करेगा, मतलब इसमें पानी मिलेगा। तो ये कुछ यहाँ सारे जगह, जितनी भी जगह बारिश होती है, यहाँ तक इकट्ठा होके अंदर जाता पानी। वो दिमाग में नहीं बैठता, मैं ऐसे कर लेता। बड़ा ही शुद्ध पानी है दोस्तों, शुद्ध है। हमारा मतलब मुहूर्त निकल चुका है कि हम आपको अब जो है अपना क्या नाम है गांव का, दुधवा खारा जो कि हिस्टोरिकल विलेज है। मतलब बहुत सारी हवेलियां देखने को मिली पुरानी मुझे, तो मेरी इच्छा हो रही थी जाऊं लेकिन जा नहीं पाया। तो खैर अब वो फाइनली मौका आ गया है, अब हम जा रहे हैं। और जो मिनी ताजमहल कहा जाता है, मिनी ताजमहल, ओके। हाँ, और वो भी ताजमहल जैसी ही कहानी है उसकी। खास खूबी ये है, हाँ, कि ऐसा कहा जाता है, वो जो घटना मैंने तुम्हें वहाँ बताई, हाँ, उसके बाद वो जो सती हुई है, जो लेडीज, हाँ, जिनकी बारात मार दी गई थी, हाँ, हाँ, जिन्होंने अपने हस्बैंड के चेहरे तक नहीं देखे थे, अच्छा, उन्होंने श्राप दे दिया इस गांव को, हाँ, तो ये गांव खत्म हो गया था। अच्छा, तो ये सेठ जो राय बहादुर हजारीमल जी थे, हाँ, बहुत ही दानवीर आदमी थे, उन्होंने लगभग इस गाँव को दोबारा बसाया।
इस गांव में ब्राह्मण नहीं थे। तो ये जो पीछे देख रहे हैं आप, उसको 11 हवेली बोलते हैं। पीछे की साइड में हवेलियां हैं। अच्छा। उस 11 ब्राह्मणों को वो हवेलियां दान करी गई, उनको 11 गाय दी गई, उनको एक एक साल का राशन दिया गया, वो बहुत कुछ उनको दे के यहाँ बसाया गया। ऐसे ही उस साइड में और हवेलियां हैं, बहुत सारे ब्राह्मणों को इस गाँव में लाया गया। तो राय बहादुर हजारी मल जी बहुत ही दानवीर आदमी थे। यहाँ पे स्कूल, हॉस्टल, जितना कुछ है, जो कुछ है वो इनका ही बनाया हुआ है। इवन यहाँ जो ट्रेन आई है वो इन्होंने अपने पैसे से लाई है। okay. इतने बड़े आदमी थे। तो जब इनकी डेथ हुई तो इनकी जो धर्मपत्नी थी सरस्वती देवी जी, उनकी मूर्तियां भी लगी है जी। तो उन्होंने इनकी याद में ये मंदिर बोल सकते हैं आप, जो कि ताजमहल के मॉडल से मिलता जुलता है, सफेद संगमरमर का है, मार्बल का। Okay. और ये सेठ हजारीमल जी की मूर्ति है। okay. तो गांव के लोगों को इनका आभारी होना चाहिए, ऋणी होना चाहिए, लेकिन वो उतनी जागरूकता है नहीं। तो उनकी बहुत सारी चीजें उनको खराब ही किया है गांव के लोगों ने। तो बीच में आप मूर्ति देख रहे हैं, वो सरस्वती देवी जी की है। अच्छा। तो अभी जो आपने देखा यही था हिस्ट्री, तो आपको सर ने बताई दी है। बाकी बढ़िया लगा मुझे सुन के, लेकिन एक दुख भी हुआ कि इन्होंने बताया कि इनकी बहुत सारी जमीन थी सेठ जी के, उनके नाती पोतों की, लेकिन नहीं, उन्होंने उन्होंने सेठ जी ने बहुत सारी जमीन गांव के लिए डोनेट की, जैसे प्लेग्राउंड के लिए, जैसे हॉस्टल के लिए, जैसे हॉस्पिटल के लिए, ये सब चीजें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से डोनेट की गांव को। लेकिन गांव के लोगों ने क्या किया, उन पे कब्जा करके अपने खुद की कोई घर बना लिया, किसी ने प्लॉट काट दिया, ये सब चीजें खूब हुई है यहाँ पे। सो फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से। और एक संयोग की बात मैंने आपको अगर नहीं बताई हो तो बता दूं कि सर जो है यहाँ से, इनका गाँव राजस्थान में है, पीछे दादा हैं, दादा का गांव जो है मुंबई में है, मतलब महाराष्ट्र से हैं, और जो मैं हूँ वो मध्य प्रदेश से हूँ, मतलब। और एक और जो हमारे साथ प्रदेश सर थे वो गुजरात से हैं, मतलब चार आसपास के, चारों स्टेट से थे। और इस कार में 5-6 दिन से तो थे ही हम लोग, भटकते जोगी। ये हॉस्टल उन्होंने बना के दिया, आज उसमें पशु बांधते हैं, चारा डालते हैं, गांव के लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। और ये इमारत करोड़ों में अब नहीं बनेगी, अभी नहीं बनेगी बाकी। ये हवेली जो जा रहे हैं, ये सेठ रामेश्वर लाल जी की हवेली है, और इसको किसी ने होटलियर ने खरीद लिया है। अच्छा। अभी इसको होटल बनाया। अकाल पड़ा था, जब अकाल पड़ गया तो लोगों को रोजगार देने के लिए, गांव के लोगों के लिए उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन किया। वो सब कंस्ट्रक्शन अकाल पड़े है ना, तब किए उन्होंने, ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। रहते नहीं So, अभी ये जो हवेली है, हमने पहले, इससे पहले जो संगमरमर का एक मंदिर देखा था, वो मंदिर जिन्होंने बनवाया था उनकी ये हवेली है, पर्सनल हवेली। और वो जो कि शेयर मार्केट का स्टार्टिंग किया था जिन्होंने, वो ऑनर थे इसके। सो ये है कंप्लीट सोमू सर का घर। और ये पुराना है क्योंकि इसका कुछ वजह है, बहुत अच्छा घर भी बना सकते हैं वो, लेकिन उसको ख़राब नहीं करा, मतलब चल रहा है बहुत अच्छे से। सिर्फ उनके मदर फादर रहते हैं, तो बहुत मज़ा आया यार कसम से यहाँ पर रहने में। आई रियली एंजॉयड दिस हाउस। और मेरा ड्रीम भी है कि अगर मेरा ऐसा कोई पुराना घर, अभी जो मेरे गाँव में पुराना घर है, मैं उसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला हूँ, नया जो बनेगा वो अलग बनेगा, बट पुरानी चीज़ें ना यार बहुत अच्छी लगती है मुझे।
तो अभी और जो भी चीज़ें होंगी बताऊंगा, उसके बाद फिर इस ब्लॉग को ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि हमें कल मॉर्निंग में निकलना है जोधपुर। वीडियो ही तो निकलता जब ही तो ले रखा है हमने, लगा ना साइलेंट। सो फिलहाल जो चल रही है वो प्रोग्रामिंग वो है वोन फायर की इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, मतलब सोमो सर का हाउस, और मजे आ रहे हैं फुल। वही तो मतलब मेन उद्देश्य हमारा इस आग का था वो पूरा हो गया फाइनली, स्ट्रिप का। क्यों सर? यस सही बोल रहे हैं, खूबसूरत। मतलब ये वाला इम्पोर्टेंट था पार्ट इस ट्रिप का, आपकी रोड ट्रिप का। आप तो सुन रहे हो नहीं रहे हो शायद। मैं सुन रहा हूँ। ट्रिप का इम्पोर्टेंट पार्ट था। हाँ यस यस, तो पूरा हुआ तो इस उपलक्ष में। खैर आप दिख नहीं रहे हैं अभी, नहीं, तो एक और बात है कि हाँ। खाना भी बड़ा। सो फिलहाल पहुंच चुके हैं जोधपुर, दैनिक भास्कर के मेन हेड ऑफिस में बैठा हूँ।